बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालद कादरी स्पेशल राही असी कोशिश की है भाई वेखण वालियां नूं सुनण वालियां नूं मालूमात दईए, जानकारी दईए, उन्हां नूं इलम जिहड़ा वा वह वंडना ते इलम देना जिहड़ा वा बहुत वड्डी एक नेकी आ। ते असी अपनी पूरी कोशिश की आ मुख्तलिफ गल्लां दे उत्ते, इहदे विच असी इलमी अदबी गल्लां करिया करांगे, कदी नज़म कोई तुहानूं पेश कर दिया करांगे ते कदी किसे पंजाबी किताब दे बारे च जानकारी या मालूमात दिया करांगे। ते अज असी तुहानूं मालूमात देंगे सैफल मलूक किताब आ हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरां दी, जिहड़ी पंजाबी जबान दा पंजाबी अदब दा एक बहुत वड्डा सरमाया है। ते हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरी जिहड़े सी बहुत वड्डे एक पंजाबी सूफी शायर सी, उन्हां दे बारे च गल करदे आं, पूरी मालूमात ते जानकारी तुहानूं देने आ। ते इह वी तुहाडे अगे गुजारिश करांगे कि तुसीं इस खालद कादरी स्पैशल नूं लाइक भी कर लिया करो ते सबसक्राइब भी कर लिया करो, ते अगे अपने दूसरे यारां दोस्तां बेलियां कोल भी चैनल जिहड़ा वा इह पहुँचा दिया करो, तां जे इह गल्लां सारिआं कोल अपड़दीआं रहिण ते साडी भी हौसला अफजाई हुंदी रहे। ते सानूं कमेंट विच दस्सिआ करो कि तुहानूं इह मालूमात जानकारी किस तरह की लगी। साढ़े हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरी जड़े ने ये 13 करोड़ पाकिस्तानी पंजाबियों नूं अपने बाबियां बारे पता लगे, इसलिए असी ये जड़ा वा सिलसिला शुरू किया वा। ते इस तों अलावा जिथे जिथे भी दुनिया भर में पंजाबी जबान बोलण वाले वसदे ने, इस तों अलावा पूरे पाकिस्तान के सारे सूबे जड़े ने उन्हां नूं पता लगे, सारे सूबिआं दे लोकां नूं पता लगे, सारिया जबाना बोलण वाले नूं पता लगे कि पंजाबी जबान के किहड़े किहड़े वड्डे बाबे सी ते उन्होंने अपना कलाम जिहड़ा वा उहदे विच की कुछ लिखिया है। ते असीं तुहानूं दस्सदे आ कि हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श जी होरी जिन्हां ने किताब सैफल मलूक लिखी सी, वह सूबा पंजाब के नाल लगते आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर लागे एक पिंड खड़ी शरीफ 1826 नूं पैदा होए सी। आप होरां दे वालदा दा नाम हज़रत मियाँ शमसुद्दीन सी, ते जिहड़े एक दीनदार ते तकवा वाले बजुर्ग सी। ते हज़रत पीर पीरे शाह गाजी दे दरबार दे चौथे ते एक आला सजादा नशीन सी। हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरां दे उस्तादां विच हाफज़ मुहम्मद अली ते हाफज़ गुलाम अहमद शामिल सी। आप होरां ने सैफल मलूक किताब 33 सालां की उम्र में मुकम्मल कर ली सी। इस बारे आप होरी खुद अपने शेर विच फरमाउंदे ने, उमर मुसन्नफ दी तद आही 3 दहे 3 यके, भैन वड्डी फरमेंदी इहो पते रब नूं पक्के। अपने पिंड खड़ी शरीफ बारे वह अपने एक प्यारे जे शेर विच लिखते ने कि जेलम घाटों परबत पासे मीरपुरे थी दखण, खड़ी मुल्क विच लोड़न जेड़े तलब बंदे दी रखण। आप होरां दीआं दूजीआं किताबां च तोहफा मीरां, तर्जमा कसीदा गौसिया, तर्जमा कसीदा बुरदा शरीफ, किस्सा शाह मंसूर, तोहफा रसूलिया, हदायत अल मुसलिमीन, तज़करा मुकीमी, किस्सा सोनी महीवाल, शीरी फराद, नेरेंगे इश्क, मिर्जा साहबां, सही हरफी, हीर रांझा, सही हरफी, ससी पुन्नू, किस्सा शेख सनान, सखी खवास खान ते गुलजार फकीर शामिल सी। ते शामिल ने हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरां दी ये तसनीफ सैफल मलूक अज तो 162 साल पहला 1869 विच लिखी गई सी। ये किताब 476 सूफियां ते मुश्तमल। किताब के शुरू विच जिहड़ा शेर है वो जिहड़े शेर दर्ज किए गए ने उन्हां विच रब सच्चे कोलों दुआ मंगी गई है, ते उहदे अगे फिर हमद बारी ताला विच अल्लाह ताला की शान बयान की गई है। किताब का पहला शेर यह हैगा है कि रहमत दा मीह पा खुदाया, बाग सुका कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा ते कर दे मेवे भरिया। किताब का अखीरला शेर है मुरशद दा एहसान मेरे ते सार लए मोहताजा, ओ रखवाला सदा मुहम्मद उसे नू सब लाजा। किताब दे विच जिथे लाहौर शहर का जिक्र आया है उन्हू लाहौर मुबारक आख्या गया है। मसलन ये शेर वेखो, शहर लाहौर मुबारक अंदर सैद की बह के मौलवी अब्दुल्ला ज्योदे खाने अंदर रह के। हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरी लाहौर शहर नू लाहौर मुबारक फरमाते ने, जिहड़ा आबादी के लिहाज नाल पाकिस्तान का दूजा वड्डा शहर है, जिहदी आबादी 1.5 करोड़ तो वध है, ते पंजाब दा तख्तगाह है कि अज उस लाहौर दे लोक
अपने ऐस उच कोटी अजीम कामल वली पंजाबी शायर हजरत मियाँ मुहम्मद बख्श होरा दी जबान पंजाबी नू पंजाब विच जरिया तलीम दे तौर दे उते लागू कराउणगे क्यों जे पंजाब असैंबली भी लाहौर विच ए ते पंजाब दी सारी हुकूमती मशीनरी भी लाहौर विच ए। इस वेले पाकिस्तान च किन्ने घर ऐसे ने जिन्हां विच ये किताब मौजूद है। साडी नवीं नसल अपनी जबान नहीं पढ़ सकती ते अपने बाबियां दा अमन प्यार ते मुहब्बत दा सबक नहीं पढ़ सकती। की वजह है? वजह सिर्फ ये है भाई पंजाबी जबान स्कूलों में जरिया तलीम नहीं हैगी। वीडियो लंबी ना हो जाए कमेंट जरूर करना बहुत छेती किसी दूसरे पंजाबी सूफी शायर ते उन्हां दे कलाम बारे गलबात लैके हाजिर होवांगे। रब रखा अल्लाह बेली।